हेलो एंड वेलकम टू दिक्सथ वीडियो ऑफ मेक म्यूजिक विथ नम तो अब तक हमने देखा कि हम नोट कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमने देखा कि हमारे नोट और पियानो के नोट में क्या डिफरेंस है फिर हमने ओवरटोन को कैलकुलेट करके ओवरटोन अप्लाई किया अब हम आ, आ रहे अपने फाइनल स्टेप में जो कि है ए डी एस आर अप्लाई करना अटैक डिले सस्टेन रिलीज सो so, इसमें भी जो मैं कोड्स यूज़ कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस वीडियो से इम्पोर्टेड है तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिएगा उसके बाद यहाँ पर आइएगा एल्स बहुत इशू हो सकता है इस नोटबुक को समझने में एनी anyway, चलिए आगे बढ़ते हैं सो ए डी एस आर एक थोड़ा सा लाइक म्यूज़िक ओरिएंटेड ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक जस्ट म्यूजिक ओरिएंटेड बट डीएसपी में हम भी इसे पढ़ते हैं हम इसे ए डी एस आर एनवेल्प बोलते हैं और ए डी एस आर एनवेल्प क्या होता है uh, इसे समझते वो समझ आ जरूरी है मैथमेटिक्स एंड ऑल तो जस्ट फंक्शन से खैर मैं बताता हूँ तो सबसे पहला बात हुआ है एनवेल मतलब खाम खाम यहाँ पे खाम नहीं है यहाँ पे बता रहा हूँ क्या mm. तो बेसिकली uh, तो अब तक क्या हो रहा था अभी तक सोचिए हमारा ये साइन वे, वे वे ऐसे जा रहा था राइट ठीक है और ये कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन कर रहा था फिर हमने ओवरटोन अप्लाई किया तो अब हमारे पास हमारे पास अब ये यही चीज़ आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जा रहा है अलग अलग सॉरी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सेम नोट्स जा रहा है तो हमें ये सुनाई दे रहा है लेकिन अब भी क्या है ना कि ये सारे नोट्स का ना एम्पलीट्यूड सेम है ये सारे नोट्स का एम्पलीट्यूड सेम है अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए ना कि भाई एक असली पियानो में क्या होता है ना जब भी हम एक सोचिए कि मैं एक तो टाइम इसमें बनाता हूं कैसे वॉल्यूम बढ़ता है घटता है तो जब भी मैं की को प्रेस करता हूँ जब भी मैं एक पियानो में तो जब भी मैं एक पियानो में की को प्रेस करता हूं ना तो क्या होता है कि वो, वो उसका नोट एक्टिवेट करने के एक टाइम होता है ठीक है तो जैसे कुछ टाइम है जैसे वो नोट एक्टिवेट किया अब वो अपने मैक्सिमम वॉल्यूम में एम्पलीट्यूड में जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद नोट ड्रॉप करता है ठीक है अब नोट एक लेवल तक ड्रॉप करता है मतलब कि वो मैक्सिमम लेवल तक गया उसके बाद वो ड्रॉप करेगा अब वो ड्रॉप एक लेवल तक करेगा उसके बाद वो होल्ड करेगा थोड़ा तो देर होल्ड करेगा और उसके बाद ये फिर से नीचे गिर जाएगा ठीक है अब देखना यहां पे चार चीज है यहां पर यह है है फर्स्ट यहां पे यह ऊपर जा रहा है यह है सेकंड, जहाँ पे नीचे आ रहा है यह है थर्ड जहां पे यह सेम रह रहा है यह है फोर्थ जहां पे यह नीचे गिर रहा है ठीक है और यही है ए डी एस आर यह अटैक ये कितना देर में ऊपर अपने टॉप पोजीशन में जाएगा यह है यह है डिले ये कितना लेवल तक ये नीचे गिरेगा यह है सस्टेन ये कितना देर तक सस्टेन करेगा पकड़ के रखेगा और यह ये है यह ये है रिलीज कि ये आ, कितना देर के बाद ये जीरो फिर से हो जाएगा ठीक है इसी को हम बोलते हैं ए डी एस आर तो ये था आर तो अब ये आप देख पाए लीनियर एडीएसआर है हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ए डी एस आर करेंगे मतलब कुछ नहीं अब ये सेम चीज क्या होगा ये सेम चीज अब लाइन के बिना ये ऐसा स्मूथ रहेगा थोड़ा और पियानो में ऐसा स्मूथ कर्व होता तो ये स्मूथ कर्व पाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करेंगे तो वो आप कोड में देख पाओगे कि हम किस तरीके से मैंने एक्सपोनेंशियल मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं हुआ मतलब स्क्वायर यूज़ स्क्वायर हो सकता है क्यूब हो सकता है वो सब भी हम यूज करेंगे ठीक है तो यार uh, तो यही है तो यही है अटैक डिले सस्टेन एंड रिलीज ओके ए डी एस आर अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि डिले एंड सस, एंड सस्टेन ना कनेक्टेड है डिपेंडेंट तो है क्योंकि सस्टेन को ये नहीं पता पता इसी से चलता है डीले से पता चलता है कि वो किस पॉइंट में आके होल्ड करना है ठीक है तो ये दोनों रिलेटेड है तो बहुत लोग ना ये भी बोलते हैं कि इसका इतना तीन पार्ट होता है एक है अटैक हो गया एक रिलीज हो गया और सस्टेन और डीले तो भाई डिपेंडेंट है और सस्टेन को बहुत वरना एक अलग पैरामीटर जैसा भी लिया जाता है कि अब सस्टेन हम बढ़ा देंगे तो बोलेगा कितना देर तक मैं होल्ड करके रखूँगा ऐसा बहुत बार होता है कि लोग इतना मतलब लोग मतलब एक मतलब एक जब बिगनर म्यूजिक म्यूजिशन होता है उसको ना सस्टेन के बारे में ज्यादा पता होता है आ, अपार्ट फ्रॉम अटैक या डिले या रिलीज के बारे में तो या सस्टेन वही है कि यार मैं कितना देर तक मैं नोट फोड़ जितना मेरा सस्टेन बढ़ेगा उतना मेरा नोट बढ़ेगा ठीक है कि मैं एक बार की प्रेस किया पम पम बजे जा रहा है ऐसा भी हो है सस्टेन को मैं मैंने एकदम वन ही कर दो मतलब कि किड्रेड परसेंट कर दो तो वो बसते ही रहेगा जब तक मतलब नहीं मालूम <laughs> जब तक आप और कुछ आप कीबोर्ड का स्विच ऑफ नहीं कर देते हो एनी वे नेचुर वो पॉसिबल नहीं है तो हम भी वो नहीं करेंगे कितना अजीब लगेगा लाइक आप एक बार अच्छा कुछ बजा के छोड़ दो सारा लाइफ बजे ही जा रहा है <laughs> आइडियल आइडियल एनी anyway, तो देखते हैं तो पहले यहाँ पे नम्पाई मेट टॉट लेव इम्पोर्ट मारा फिर हमने प्रीवियस नोटबुक से प्रीवियस नोटबुक से हमने आ, ये सारे कोट्स को इंपोर्ट मार लिया ठीक है ओवरटोन को भी हमने इंपोर्ट मारा और उसके बाद हमने देख हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि यार वो जो भी अटैक जैसे ऊपर बढ़ेगा फिर उसके बाद रिलीज नीचे आएगा उसके बाद सस्टेन ये सब किस तरीका से इसका कर्व्स है ठीक है तो बेसिकली वही है कि यहाँ पे मैंने क्या किया पहले इंटरवल लिया मैंने इंटरवल में क्या हो रहा है ड्यूरेशन है मेरा कितना ड्यूरेशन के लिए और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है ठीक है ड्यूरेशन इनटू फ्रीक्वेंसी देता है मेरे को पास कितना इंटरवल्स है उसके बाद आ, या फिर यहाँ पे फिर लेंथ ए ले रहा हूँ एन पी डॉट मैक्सिमम इंटरवल इन टू ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्या है कि बेसिकली ए डी एस आर में ना सबका अपना अपना परसेंटेज है ठीक है कि सोचिए कि फ्रॉम फ्रॉम जीरो पॉइंट टू रिलीज का एंड पॉइंट हंड्रेड परसेंट है या वन है तो उसमें से कितना कितना पार्ट को मैं अटैक को दे रहा हूँ सपोज कि ये पूरा ये पूरा मेरा ग्राफ है तो यहाँ तक अटैक है राइट यहाँ रिलीज है यहाँ पे सस्टेन है तो यहाँ तक सस्टेन है यहाँ पे यहाँ पे रिलीज है यहाँ डिले है और यहाँ पे रिलीज है ठीक है तो अब ये कितना परसेंटेज है ये कितना परसेंट है ये कितना परसेंट ये कितना परसेंट है ठीक है तो यही है कि यहाँ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मतलब हो गया कि भाई मैंने मैंने पाँच परसेंट ठीक है पाँच परसेंट अटैक टाइम रहेगा मेरा और यहाँ डीके ये एक्सपोनेंशियल ये ये कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे बेसिकली ये स्मूथनेस पाने के लिए ठीक है तो यही हो रहा है कि एन पी डॉट एर ए वन माइनस डी के वन माइनस डी के जो भी है टूटी पावर एंड इन एंड रेंज लेन ऑफ एल ठीक है लेन uh, length ऑफ लेन एल एल एस्ट एस दिस वन एंड वन बाई हमने किया है कि ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जाए एंड उसके बाद एंड ए बाय इसको नॉर्मलाइज़ किया तो प्लॉट करने के में यू कैन सी दैट ये तो लाइक एक्सपोनेंशियल कर्व मुझे मिला ठीक है सेम गोज़ फॉर ये सस्टेन हो गया डीके डीके हो गया डीके में यू कैन गेट ऐसा नीचे गिरता हुआ सस्टेन हो गया और आप देखना ये 0.1 तक गिरा है यहाँ पे ये फिर 0.1 से लेकर एक लेवल तक गिरा है सॉरी 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 अच्छा सस्टेन लेवल वन हाई सॉरी वो गलती मुझे साइड से हो गया हाँ तो फिर ये ज़ीरो पॉइंट वन तक गिरा है ठीक है उसके बाद ये ज़ीरो पॉइंट वन से लेकर एक लेवल तक गिरा है उसके बाद वो वहाँ से उस लेवल से उस नहीं फिर डीके का मैंने कर्व नहीं किया डीके का भी वैसा ही सेम तरह का एक कर्व है ठीक है डीके का सेम तरह का मैंने एक स्मूथिंग पैरामीटर को टेस्ट किया स्मूथिंग पैरामीटर की मेरे पास ये तो आ जा रहा है राइट लेकिन अब ये जब ये मिक्स होगा ना एक दूसरे से सटेगा तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे एक नॉन डिफ्रेंसीबल पॉइंट आ जाए मैंने स्मूथनेस ना हो तो वो स्मूथनेस लाने के लिए हम कर दे रहे हैं ऐसे डिफ्रेंसीबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एनी anyway, <laughs> स्मूथनेस पैरामीटर कितना कर्वी होगा करवी ओह तो बेसिकली अब वो सारे चीज़ों को ना मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ टेस्टिंग किया उसी को वही यहाँ पे लिखा हुआ है पहला बात है एटर उसमें आता है तो ए डी एस आर वीड्स क्या लेता है भाई ये मेरा फ्रीक्वेंसी लेता है ड्यूरेशन लेता है लेंथ लेता है लेंथ मतलब कि यार वो वन का कितना कितना पार्ट है ए डी एस आर को डी के लेता है डी के मतलब हो गया मेरा एक्सपोनशियल पैरामीटर्स तो वो स्मूथनेस के लिए सस्टेन लेवल हो गया ये भी जरूर से वन के बीच में है आप जितना सस्टेन दोगे उतना देर तक ये होल्ड करेगा एंड सैम्पल रेट एज यूजल फिर आता है इंटरवल इंटरवल्स में मैं क्या कर रहा हूँ ड्यूरेशन इंटू फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ एंड उसके बाद लन ए लैन डी एंड लैन एस लैन आर ये सब बेसिकली ए के लिए लेंथ जो मैं ए का लेंथ है इनटू इंटरवल्स कितना इंटरवल के लिए रख रक, रखना है मुझे उसके बाद मैक्सिमम ऑफ इंटरवल इनटू तो बेसिकली क्या है एक ए का लेंथ कितना होगा भाई जितना मैं वन में से जितना परसेंटेज हंड्रेड में जितना परसेंटेज दिया हूँ उतना इनटू इंटरवल सेम फॉर डी एस एन आर राइट एंड डी के का हम भी डी के का चार पैरामीटर देंगे हम यहाँ पे तो वो डी के हमने लिया है फिर हमने सेम वही किया है कि भाई वही वन माइनस डी के इन टू डी पावर एन यहाँ पे वन माइनस ए टू डी पावर एन और यहाँ पे ये ये मैथमेटिक्स डिफरेंट है दोनों सबके लिए तो इसके अंदर भी जाना चला जाऊंगा तो फिर यार तीस पैंतालीस मिनट का वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं सोच रहा कि ठीक है इसको फिलहाल मैंने कंसेप्ट समझा दिया ए डी एस आर का अब क्या करते हैं इसमें अगर मैं फिर जाऊंगा ना फिर इसके लिए एक जैसे ओवरटून के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इसके लिए फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा तो फिर अब वो हो जाएगा पैंतालीस मिनट का वीडियो तो फिर मैं सोचा कि ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दिया मैंने समझा तो दिया क्या है हम उसका आउटपुट्स भी दिखा दिया कि भाई ये कैसा आउटपुट इसका दे रहा है अगर बाद में कोई वीडियो अगर आप, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं कोई अगला वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका थ्योरी क्या है कैसे ये हो रहा है फिर आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ अच्छा ये ऐसे हो रहा है इसके ऊपर आप कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर सेम तरीक़े से ए डी एस आर हमने कॉम्पोनेंट कौं, कैलकुलेट किया फिर हम कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं तो ये मतलब कि सबसे पहले आप देखो कि पहले हमने ये कैलकुलेट किया फिर हमने ये कैलकुलेट किया फिर हमने ये कैलकुलेट किया उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया अब ये सबको जोड़ दो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेट अच्छा जब मैं जोड़ूंगा तो भाई मेरा स्मूथ नहीं होगा वो स्मूथ हो सकता है कि ये सब पॉइंट्स में ये सब पॉइंट्स में स्मूथ ना हो सकता है कि मैं एक पॉइंट ऐसे जोड़ा दूसरा पॉइंट ऐसे जा रहा है तो ये स्मूथ नहीं हुआ है ना यहाँ पे कैसे छोटी सा आ गया तो इसको स्मूथ करना पड़ेगा इसे मैं ऐसा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए एक स्मूथनेस पैरामीटर फिर उसको कॉन्वल्यूट कर दिया कॉन अगेन एक तो डी का मैंने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक तो ऑपरेशन है आ, जो क्या करता है जो क्या करता है ये मैं समझा देता तो। हूँ कॉन क्या करता है तो बेसिकली एक ए है मेरे पास ये दूसरा आ रे है और ये एरे इसके ऊपर से मैं पास करूँगा तो बेसिकली ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सबको ऐड करता रहेगा तो बेसिकली एक तरह का आप मल्टीप्लीकेशन टाइप का इसको बोल सकते हो बट इट्स नॉट इट्स नॉट कम्प्लीटली ये कॉनवोल्यूशन को भी अगर मैं मैथमेटिक्स वाले वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझा दूंगा कॉनवोल्यूसन क्या होता है क्या नहीं होता है तो अगर आपको अगर चाहिए होगा मैथमेटिक्स वाला वीडियो कि ए डी एस आर का पूरा मैथेमेटिक्स क्या है यहाँ पर जो कॉन्वल्यूसन हो रहा है उसका मैथेमेटिक्स क्या है ये तो कैसे काम कर रहा है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा थर्टी मिनट्स का जो भी वीडियो से ओवरटून का बनाया था मैं सर यहाँ भी बना सकता हूँ एनी वे लेट्स मूव ऑन सो उसके बाद अब ये वेट्स कैलकुलेट किया अब इनकेस मेरा वेट्स ना मेरा मतलब बड़ा हो जा रहा है कैलकुलेट करने के बाद तो वो टेल हो जाएगा कि हाँ मतलब मेरा लेंथ से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है टेल हो जा रहा है तो उसके बाद टेल को भी वेट्स के अंदर फिर वो ऐसे कॉन्कैटिनेट हम लोग कर दे रहे हैं किसी तरह से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं उसको एंड उसका वेट्स को रिटर्न कर दे रहे हैं तो ये ये बेसिकली है इसके अंदर मतलब ये फंक्शन से ज्यादा इसका मैथमेटिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर मैथमेटिक्स अगेन मैं सोचा कि यार अभी मैं मैथमेटिक्स जोड़ूंगा तो प्रैक्टिकल में एक टाइम मैथ्स का एक टाइम फिर दोनों मिलाकर हो जाएगा भाई चालीस पचास मिनट का वीडियो फिर <laughs> I don't know, कितना लोग उसको देखेंगे तो यार इसीलिए अगर आपको चाहिए होगा तो ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ऑफकोर्स उसके ऊपर बना सकता हूँ no फिर मैंने फैक्टर लिया जैसे हमने फिफ्थ वीडियो में लिया था फैक्टर फिफ्थ एंड फोर्थ वीडियो में लिया था फैक्टर एंड उसके बाद नोट को हम सुने कि ओवरटोन कैसा साउंड कर रहा है स्टेंट uh, मैग्नीट्यूड uh, में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में आप देख पा रहे हो कि भाई मेरा ये बजे जा रहा है फिर हमने ए वेट्स कैलकुलेट किया ए वेट्स मैंने कुछ ऐसा दिया है टेन परसेंट मेरे को लगेगा अटैक में ट्वेंटी uh, परसेंट मेरे को लगेगा मेरा डी में फिफ्टी मुझे लगेगा सस्टेन में और ट्वेंटी मुझे लगेगा रिलीज में ठीक है और ये डीके पैरामीटर्स मैंने कुछ कुछ दिया इसको आप कुछ भी दे सकते हो इट्स अप टू यू बट इसका जो समयसन है वो हमेशा बन होना चाहिए इसमें कोई ये नहीं और सस्टेन लेवल मैंने जहाँ जीरो पॉइंट टू रखा है तो कुछ भी आप रख सकते हो आपको जितना देर तक सस्टेन करवाना है उसके बाद जो भी नोट है मेरा या नोट जो ओवर टोन नोट है उसको मैं वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली आप मेरा सोचिए कि अब मेरा वेट अब ये एनवलप है ना ये वाला ये वाला भी इंटरेस्टिंग है ये वाला अब ये जो एनवलप है ना मेरा ये सोचिए कि मेरा एनवलप है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या होगा इसके साथ तो ऐसा हो जाएगा ना ये ऐसा बड़ा 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 घटा 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 तो देख रहे हो अब मेरा नोट इस तरह से जाकर इस तरह से कम हो जा रहा है यही हमें चाहिए था इसी को हम बोलते हैं डी एस आर एनवेलपर से हम लोग ने ये वेट्स को ये कर दिया फिर तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर एम्पलीट्यूड अगर, अगर ज्यादा हो जा रहा है वेट्स के साथ नोट को मल्टीप्लाई करने में हो सकता है कि मेरा फ्रीक्वेंसी मेरा एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो जा रहा है तो एम्पलीट्यूड को बस हम लोग ने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमने एम्पलीट्यूड को एडजस्ट किया हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ था फोर एडजस्ट कर दिया एंड दैट इज अर फाइनल आउटपुट तो सुन लेते ये कैसा साउंड कर रहा करा टंग जो हमें चाहिए था टंग तो वो वाला फील आ रहा जो एकदम पियानो में आता जैसे कि आप एक नोट बजा के उठा दिए टंग तो नो रेफरेंस सुन लेते पहला ये ये बजे जा रहा है अगेन कुछ बेटर आता था तो कान में लगना स्टार्ट हो जाता है उसका पहला वाला है ठीक ये कान पे लग रहा है पहले वो साइन वेव कान पे लगा था ये बैटर लगा था अब ये वाले कान पे लग रहा है ये वाला बेटर लग रहा है टंग ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही Uh, uh, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या कैसे बना सकते हैं क्या होता है और फिर एक तो सेशन में लाइक एक लाइव में करूँगा जिसमें मतलब लाइक इट इट्स नॉट फॉर टीचिंग में लाइव नहीं होगा टीच करने के लिए नहीं होगा बट कि बल्कि इसलिए होगा इसलिए होगा कि मैं आ, आपके सामने रॉ मने रॉ एकदम आपके सामने मैं क्या करूँगा इस जो भी मैंने अब तक किया है या इसके पहले भी मतलब किया हुआ जो भी मैं नॉलेज से है मैं इसको मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा एक पाइथन लाइब्रेरी जिसको मैं आपके सामने ही बनाऊंगा उसका लॉजिक कुछ भी जैसे मैं बनाता हूँ चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो देख के हो आर्टिकल्स ब्लॉग्स ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के जो भी मेरा इश्यूज आएगा जो भी एरर्स आएगा वो सबको मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगा पूरा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ देखा हुआ रहेगा सब कुछ आपके सामने ही होगा और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि भाई मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा एंड उसको फिर हम लोग Uh, पाई पाई में जाकर हम लोग इसको पब्लिस कर देंगे हम लोग uh, डॉक्स लिखेंगे हम लोग रीडमी लिखेंगे हम खुद एक नया रिपोजिट्री बना के किस तरीक़े से उसको हम लोग पाई पाई में uh, पब्लिस करते वो सब कुछ देखेंगे uh, उस लाइव सेशन में हो सकता है लाइव सेशन कुछ तीन चार घंटा हो गया पाँच घंटा हो गया आई डोंट नो तो वो तो बताता है वो तो डिपेंड करता है कि यार आ, <laughs> कितना जल्दी कितना कम एरर्स मुझे आए एरर्स तो आएंगे उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर लाइव सेशन में आना चाहते हो देखना चाहते हो कि कैसे मैं काम करता हूँ तो फिर यार हाँ उसमें भी आना ठीक है चलिए बाय बाय